जी तो गाइस लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ चुके हैं खेल खेल में वेदा और स्त्री टू मूवी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री टू मूवी की। जी हाँ गाइस, आपको पता है कि इस मूवी का ऑफिशियल जो 400 करोड़ वाला पोस्टर है वो मेकर ने रिवील कर दिया है। मैंने जैसा कि आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि भाई लोग इस मूवी का बजट तकरीबन हमें 50 से 60 करोड़ नज़र आने वाला है, लेकिन ये मूवी हमने प्रेडिक्ट की थी कि भाई 500 करोड़ प्लस जाने ही वाली है, और वैसा ही हुआ बिल्कुल। ये मूवी 500 करोड़ प्लस गई, अभी 400 करोड़ आया, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ये मूवी 500 करोड़ प्लस करते हुए हमें नज़र आएगी। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ सोच रहे थे कि भाई ये मूवी कल की का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी दम नहीं है मूवी में, माना के दम है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि वो प्रभास का एक फ़ैन बेस है। इसमें सारे एक्टर न्यू हैं, कोई एक एक्टर बहुत कम है आप कह सकते हैं कि जो ऑडियंस को खुद अपने दम पर थिएटर में लाए। लेकिन भाई लोग इस मूवी में जिस तरह की एक्टिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से मूवी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। लेकिन ये मूवी ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ हमें कमाती हुई नज़र आएगी, इससे ज़्यादा का आप मत सोचिएगा, क्योंकि भाई लोग किसी भी मूवी के हाइप स्टार्टिंग वाले तकरीबन 7-8 दिनों में होती है, बाद में उसका कम होता जाता है, और उसके बाद आप हिसाब लगा लें कि इस मूवी जब से ये रिलीज़ हुई है अक्षय कुमार और वेदा जो मूवी है वो बिल्कुल भी नहीं इसके आगे टिक पा रही। जी हाँ, खेल खेल में और वेदा मूवी इसके आगे टिक ही नहीं पा रही। उन मूवीज़ के मानो जिस तरह वो मूवीज़ रिलीज़ ही नहीं हुई, ऑडियंस को बिल्कुल भी क्रेज नहीं है उनके मूवीज़ का। कोई बंदा उस मूवी का बाहर नहीं कर रहा, हर बंदा ये बात कर रहा है कि भाई स्त्री 3 कब आएगी। जी हाँ, उसका थर्ड पार्ट कब आएगा। तो उसकी मेकर ने आपको पता है कि कुछ एक कन्फर्मेशन दी थी कि भाई स्त्री पार्ट आएगा, लेकिन अभी नहीं, वो तकरीबन 4-5 सालों के बाद हमें नज़र आने वाला है, क्योंकि इस पार्ट को बनने में ही तकरीबन 3 से 4 साल लग गए। 2018 में स्त्री 1 आई थी, अब देख ले 2024 में स्त्री 2 आई, 5 से 6 साल का गैप लेकर ये मूवी आई है इसका दूसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट को बनने में कम से कम भी 4 साल तो लग ही जाएंगे। अगर बात करें हम वेदा की, तो भाई लोग वेदा मूवी का कलेक्शन हो चुका है तकरीबन 70 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, 70 लाख रुपए इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया ओवर, सिर्फ इंडिया से ओवरऑल से बात करें तो 5 लाख रुपये ओवरऑल से कमाए, टोटल हो गया 75 लाख रुपये। और आगे आगे इसकी टोटल बॉक्स कलेक्शन की बात करें तो इसने 20 करोड़ रुपया कमा लिया। आप देखें जॉन अब्राहम जैसे एक्टर की भी मूवी 20 करोड़ जस्ट कमा रही है, तो उस मूवी की ओपनिंग ही तकरीबन 70 करोड़ से हुई थी। आप इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा ले भाई लोग। आगे आप देखें खेल खेल में, अक्षय कुमार स्टार खेल खेल में मूवी अक्षय कुमार की, तो आपको पता है कॉमेडी को लेकर जितनी ज़्यादा हाइप है इतनी शायद ही किसी मूवी को लेकर होगी, क्योंकि अक्षय कुमार आपको पता है कि पुराने लोग हैं, किस तरह कॉमेडी करते हैं, हर चीज़ का आइडिया है उन्हें। लेकिन खेल खेल में मूवी में अच्छी उनकी कॉमेडी यूज़ नहीं की गई, जिसकी वजह से इस मूवी का भी कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। मूवी ने ओवरऑल से 25 करोड़ रुपया कमाया, बाकी लेटेस्ट डे की बात करें तो इस मूवी ने तकरीबन 3 करोड़ रुपया कमाया। अब इससे आगे अक्षय कुमार पता नहीं क्या अपने कमबैक के लिए कर सकते हैं, आप देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन्हें ने अपने कमबैक के लिए आगे क्या क्या चीज़ें सोची।